नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो हेलो सर, नमस्ते। हाँ नमस्ते, कौन? सर मैं बिजनौर से रूमा बोल रही हूँ। बताइए सर, मैं ये पूछने जा रही हूँ, जैसा आज के पेपर में दिया शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ेगा, तो इसमें दिया ना 2 से 4 हजार तक बढ़ेगा, तो ये तो राज्य सरकार की तरफ से हो रहा है ना? हाँ, तो ये तो राज्य सरकार के अंडर में जो आता है वो तो अपनी करेगी। आप लोग मांग कर रहे थे मानदेय बढ़ाइए मानदेय बढ़ाइए, तो वो अपना काम कर रहे हैं। अच्छा तो सर हमारा टैक्स नहीं होगा, तो हमारा जो प्रेस ग्राइंडर में हो रहा था वो 35 हजार का जो बता रहे थे वो नहीं होगा? अरे वो तो केंद्र सरकार की योजना है, तो वो केंद्र सरकार जब घोषणा करेगी तब होगा, अभी उसमें टाइम है। अच्छा वो अलग होगा, वो अलग है, ये अलग है। राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में नियुक्ति देना थोड़े ही है। राज्य सरकार तब तक कुछ नहीं कर सकती जब तक केंद्र से अप्रूवल न मिले। आप लोग का समायोजन क्यों रद्द हुआ था? इसी कारण से रद्द हुआ था ना कि आप लोग का समायोजन करने के लिए केंद्र को लेटर लिख करके अनुमति नहीं ली गई थी, और टीटी नहीं पास थे, दो कारण थे जी जी। तो इसी कारण से समायोजन रद्द हुआ था, ठीक है? तो एक चीज हमेशा ध्यान रखा कीजिए कि सर्वोपरि जो है वो केंद्र सरकार होती है। केंद्र सरकार में क्या चल रहा है, ठीक है, वो क्या कर रही है, उनकी क्या प्लानिंग है, उसी के अनुसार सब कुछ होता है। तो अभी जो भी आप लोग का जो है छुट्टी वगैरह या मानदेय वगैरह जो भी बढ़ाया जा रहा है जी जी, ये सारी चीजें राज्य सरकार की तरफ से हो रही हैं। तो राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र अलग हैं, केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र अलग हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है वो केंद्र सरकार लेकर आई है जी जी जी, वो 2020 में लागू हुआ है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत पूरे भारत में सब कुछ होना है, और शिक्षा मित्र जो है वो सिर्फ यूपी में तो है नहीं जी जी, पूरे भारत में है जी, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट ने समायोजन जो रद्द किया है वो प्राइमरी के लिए रद्द किया है जी जी, ठीक है। आप ऑर्डर पढ़ लीजिएगा, और अभी 22 तारीख को मीटिंग हुई है वो देख लीजिए, तो उसमें भी दिखाया गया है कि प्राइमरी में जो है ये चीजें इनके लिए किया गया था, समायोजन ऐसे ऐसे हुआ था, और फिर सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। तो प्राइमरी से कहानी खत्म हो चुकी है आप लोगों की, ठीक है जी जी। अब जो भी है केंद्र सरकार वो नई योजना लेकर आई है राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से, तो जी जी। केंद्र सरकार पूरे भारत में सभी राज्यों को निर्देश दी है मीटिंग करके जो अभी करंट स्टेटस है वो भेजने के लिए। तो 22 तारीख को मीटिंग हुआ है, अभी एक दो मीटिंग और होगा, तो फिर पूरे भारत के सभी राज्यों से जो भी स्टेटस करंट में होगा वो जाएगा केंद्र सरकार को जी जी जी, ठीक है। इसके बाद केंद्र सरकार जो है घोषणा करेगी, और शिक्षा मित्रों का फिर समायोजन शुरू होगा प्री प्राइमरी में जी जी। एक चीज दिमाग से निकाल दीजिए कि अब जो है प्राइमरी में चाहे वो कोई सरकार आ जाए कोई नहीं कर सकता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है जी जी जी, ठीक है। अभी आप सुनती होंगी कि अखिलेश यादव जी मंच से बोलते रहते हैं कि हमारी सरकार आएगी तो हम फिर से शिक्षा मित्रों का करेंगे, ऐसा नहीं होगा, असंभव है। जब वो सत्ता में थे तब तो कर नहीं पाए, किए थे लेकिन वो रद्द हो गया, कोर्ट ने निकाल दिया क्योंकि वो अवैध तरीके से किए थे। और अब जो है जबकि 1-2 प्राइमरी से हट ही गया है तो वो फिर किस बिहाफ पे कर देंगे, तो प्री प्राइमरी में ही होगा, और प्री प्राइमरी में ऑलरेडी ये गवर्नमेंट कर ही रही है, ठीक है। तो अभी जो है प्री प्राइमरी वाला उसमें 1-2 महीने 3 महीने भी लग सकते हैं घोषणा होने में, और जिस दिन घोषणा होगा आप जानती हैं कि आप लोग वही पढ़ा ही रहे हैं, कुछ करना है नहीं, सिर्फ घोषणा करके गवर्नमेंट को लेटर जारी कर देना है जी जी जी। तो जो राज्य सरकार का हो रहा है उसको अलग देखिए, जो केंद्र सरकार की तरफ से हो रहा है वो अलग देखिए। केंद्र सरकार की योजनाएं पूरे भारत में लागू होती हैं जी जी सर, बस ये जानकारी ले रहे थे सर। कोई दिक्कत नहीं। अभी कुछ दिन पहले जो है आप लोग का छुट्टी वगैरह का भी जारी हुआ था, तो उस पर भी लोग बड़े कंफ्यूज थे कि जब प्री प्राइमरी में हो रहा था ये क्यों हो रहा है। ये सारी चीजें तो सिस्टम के अंदर है, ये राज्य सरकार अपना काम करती रहेगी, ठीक है, वो अलग है। हाँ वो अलग है। अभी केंद्र सरकार ने अपनी जो भी नीतियां हैं उस पर प्रस्ताव बनाकर भेजा है, और राज्यों से अभी सुझाव मांगे हैं, स्टेटस मांगे हैं, तो अभी राज्यों से जो भी चीजें हैं वो जाएंगी, उसके बाद वो घोषणा करेंगे ना जी जी जी। तो आप मानकर चलिए कि अभी कम से कम 1-2 महीना 3 महीना वेट करना पड़ सकता है सर, वेट तो कर ही रहे हैं। तो बस और कोई ऑप्शन है ही नहीं है। ठीक सर, नमस्ते। ठीक है, नमस्ते।